हेलो पिलामने मु रमजान सर समस्त स्वागत करुच्छे समस्त प्रिय यूट्यूब चैनल लर्न ओडिशा लर्न को केमिति जानिबे एक रासायनिक प्रतिक्रिय व्यवहृत पदार्थ कठिन कि तरल कि गैसीय कि जलीय द्रवण केमिति जानिबे। देखो दशम श्रेणी पिलामानंकर पूरा एटा कन्फ्यूजन रही मते मेसेज कमेंट्स पूरा भरपूर कर देछंती जे पिला जानि पारु नाहंती सर केमिति हबो एटा कहि दियंतु जे केमिति आमे जानिबा कोटा कठिन कोटा तरल कोटा गैसीय कोटा जलीय द्रवण रासायनिक समीकरण तो आम लिखि दउछन ना तो कौन सेठी लिखिबा एस के एल कि ए क्यू कि जी एवं जानिबा प्रोसेसटा कौन। देख कन्फ्यूजन काहि कि होछि पिला मानको गोटे एग्जांपल दुटा एग्जांपल देछि जणै दउछि। देख एठी एफएसओ फॉर देख एठी कठिन एस अछि एठी एफएसओ फॉर देख तरल जलीय द्रवण ए क्यू अछि तो सही एफएसओ फॉर गोटे यौगिक केतले एस रहउछि केतले ए क्यू रहउछि तो पिला पूरा कन्फ्यूजन हो जाउछन्ति जानि पन्न। देख मु पूरा क्लियर करै देबि ए वीडियो रे वीडियो शेष पर्यंत देख काहीकि ना ये भी इंपोर्टेंट भी अच्छी क्लियर हवा निहाती आवश्यक काहीकि ना यहाँ जब भूलभाल लिखाई तेल मार्क कटिज। देख तुम भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय चतुर्थ अध्याय पर्यंत रासायनिक मानने प्रतिक्रिया अच्छी रासायनिक समीकरण निहाती लिखा पड़ो जोटा कि केमिस्ट्री रसायन विज्ञान अध्याय गुड़िक तो निहाती ये जिनस जाना दरकार अच्छी क्लीयर हाँ आवश्यक अच्छे और पूरा मुझे क्लीयर करदेवि ये भिडियो भिडियो को शेष पर्यटन देख जदि न भल लगे डिसलाइक करदेव कि जैसे ना बट शेष पर्यंत देखा अनुरोध और क्लीयर करदे मुझे ये ग्यारंटी देखिए आरंभ कर। देख पांचटा उपाय आम जाना पांचटी उपाय आम बुझा बा जानीदबा जे एस कि एल कि जी कि ए क्यू कौन लगे। देख पांचटा उपाय उपाय जो अच्छी क्या क्या आधार में ना फास्ट है धातु अधातु आधार में जाना धातव अक्साइड अधातव अक्साइड आधार में जाना लवण र प्रकारभेद आधार जाना और लास्ट को इम्पोर्टेंट कथ अच्छी रासायनिक प्रतिक्रियार प्रकारभेद आधार जाना और शेष किसी स्वतंत्र जैविक आधार में जाना तो स्टार्ट करवा। देख ये प्रकार भिडियो कहीं भी भल भल ओडिया मीडियम पाठ पढ़ाऊ यूट्यूबर करना तो मुझे प्रथम थर करुच्ची भिडियो भल लगे निश्चित तो लाइक कर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मोर एटा रिक्वेस्ट। देखो फास्ट धातु अधातु आधार रे ध्यान दियो ये जो पर्याय सारणी को लक्ष्य कर पर्याय सारणी रे देख बापटे जो गुड़िक रही धातु मझीर जो अंका बंका होकर रही सेगुड़ी उपधातु मु टिक चिन्ह मारदेई डाहाणपटे जो गुड़िक रही सेगुड़ी अधातु ठीक अच्छे तो एमती धातु उपधातु अधातु को जानव फास्ट उपधातु गुड़िक विशेषकर रासायनिक प्रतिक्रिय भाग नि बहुत कम नि धातु अधातु कथा ही आसो। देख फास्ट धातु कथा देख धातु गुड़िक भितर समस्त धातु मनेरख कठिन केवल गोटे तरल सी हूँ पारद आउ गैसीय धातु ना बिल्कुल। देख पारद एच जी रो जो रहा एटी लिक्विड एल लिखा पारदटा तरल हाँ पारदटा मन रखिए कौन एटा हूँ तरल तरल एच जी एल लिखा आउ जो रहा पोटासीयम हो सोडियम हो लुहा हो रूपा हो तुमर कैल्शियम हो मैग्नीशियम हो जहाँ भी हो ये समस्ते कठिन एस इत्यादि एमती आ बहुत धातु अच्छी जोटा पर्याय सारणी मुझे देखेली ये सब कठिन धातु कथा क्लीयर है केवल पारदटा तरल ताकू छाड़देला परे आउ सबु धातु होउची कठिन। एबे देखो अधातु अधिकांश अधातु गैसीय देख गैसीय अधातु किए ना हाइड्रोजेन ऑक्सीजन नाइट्रोजेन क्लोरीन फ्लोरीन हीलियम नियन आर्गन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन हीलियम नियन आर्गन आहरी भी किसी अच्छी जो गुड़िक होती गैसीय एगुड़िक अधातु एगुड़िक गैसीय तो यहाँ पर कौन लिखा जी लिखा अच्छा गोटे तरल अधातु रही किए ना ब्रोमिन मन रखिए ब्रोमिन जहाँपी कौन लिखा ना एल लिखा यहाँ हूँ गोटे एकम्र तरल अधातु ब्रोमिन आउ किसी कठिन किसी मैंने पांचटा कठिन अच्छी पांचटा कठिन अधातु किए किए ना कार्बन फस्फरस सल्फर आयोडीन सेलेनियम ये हूँ कठिन अधातु जहाँपी एस लिखा क्लीयर है। एबे देख धातव ऑक्साइड और अधातव ऑक्साइड आधार देख धातव ऑक्साइड किए ना धातु ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करके धातव ऑक्साइड सृष्टि कर जानी कथ कैल्शियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड लेड ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड इत्यादि एमती आहरी भी धातव ऑक्साइड होती। देख ये समस्त धातव ऑक्साइड गुड़िक प्राय सब कठिन अवस्था था तो यहाँ लिखा कौन ना कठिन जेहेतु एस लिखा तो सीए सीएओ अच्छी ब्राकेट एस लिखा एस लिखा सब एस लिखा कहीं धातव ऑक्साइड गुड़िक साधारण कठिन अवस्था था तो क्लीयर हो गले धातव ऑक्साइड कठिन। एवं देख अधातव ऑक्साइड एसओ टू एसओ थ्री एनओ टू एन टू सीओ टू सीओ मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एटा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो अधातव ऑक्साइड एमती आहरी भी अधातव ऑक्साइड अच्छा अधातव ऑक्साइड गुड़िक साधारण गैसीय अवस्था था तो ये आम क्लीयर हो गले गैसीय अवस्था था तो एम जी लिखा तुम लक्ष्य कर कार्बन डाइऑक्साइड जी लिखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड जी लिखा जाए सब जी लिखा तो अर्थात अधातव ऑक्साइड गुड़िक गैसीय अवस्था था तो सेगुड़ी गैस क्लीयर है। एवं देख लवण प्रकारभेद आधार में इंपोर्टेंट अच्छी ध्यान दियो फास्ट बुझा जे लवण फर्मटा कौन देख लवण फर्मटा कौन मुझे कहीदे लवण फर्म मन रख एम एक्स अच्छा एम प्लस एम एक्सटा माइनस एम एक्स कौन
ना ये जो एम एम जो देखु ये एमटा दुईटा जिनस कौन ना आईदर ये धातु होनएच फोर हो मान एमोनियम आयन एन एच फोर प्लस जोटा धातु होको धातु सोडियम पोटासीयम कैल्सीयम आईरन एमती जेको धातु होंबा गोटे बिना धातु वाला पजिट आयन अच्छी जी कि एन एच फोर प्लस ठीक अच्छे एवं देख मैंने लवण में थाए अच्छा आज एक्स देखु ये एक्सटा कौन ना तुम क्लोराइड हो कार्बोनेट हो चार्ज लेखुनी कार्बोनेट हो कि सल्फेट हो कि तुम नाइट्रेट हो कि तुम आउरी अच्छी बाइकार्बोनेट भी होता पारे आयोडाइड हो HCO3 बाइकार्बोनेट जोटा कहली से होता पारे तो एमती रही एगुड़िक मानने विजुक्त आयन आकार लवण तो एम एक्स फर्माट्रे ही लवण थाए फास्ट क्लीअर हुआ एमटा धातु आयन एच फोर आउ एक्स मानने नेगेटिव आयनटा युड़िक थाए एबे फास्ट पॉइंट आस जे साधारण तो समस्त लवण कठिन कि स्टार मारी कठिन मानने सब रासायनिक प्रतिक्रिया लवण अच्छी मैंने आप एस लिखीद ना से कथा नुहे कथ अच्छी एटी नर्माली जो रूम टेम्परेचर साधारण तापमात्रा रोचे साधारण समस्त लवण कठिन अवस्था था कि लवण पुणी दुई प्रकार आसव कौन ना जल में द्रवणीय लवण जल में अद्रवणीय लवण फास्ट देख जल अद्रवणीय लवण किए जल अद्रवणीय लवण जी से कदापि जल द्रवणी द्रवीभूत हेबना से सबुबले ही कठिन अवस्था रर्थात ये जो यही पांचटा को मन रखे एजीसीएल बीएसओ फोर पीबीआई टू सीएसईओ थ्री सीएसओ फोर सिल्वर क्लोराइड बेरियम सल्फेट लेड आयोडाइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट ये जो पांचटा रही मन रख ये सर्वदा कठिन सर्वदा कठिन कठिन एस तो यही लवण गुड़िक अच्छी मानने आखि बुझिकी रईट सैड ब्राकेट एस ही लिखिदेव एगुड़िक जेको रासायनिक प्रतिक्रिया था कठिन अवस्था रही है जदि भी से द्वैत विस्थापन विस्थापन प्रतिक्रिया अच्छा ये अद्रवणीय अवक्षेप रूप से सृष्टि हो देख एजीसीएल अवक्षेप तुम आगुरी जान पढ़ी मुझे धला रंगर अवक्षेप बीएसओ फोर धला रंगर अवक्षेप पीबीआई टू यहाँ हलदिया रंगर अवक्षेप आगुड़िकमती कठिन अद्रवणीय लवण अटंती तो एगुड़िक सर्वदा कठिन एस क्लीअर है जल अद्रवणीय लवण ये पांचटा को मन रखदेव ये सर्वदा कठिन फास्ट कथा तापर देख जल द्रवणीय लवण युड़िक फेरस युड़िक केवल नुहे यहाँ आवरी भी अच्छी फेरस सल्फेट सोडियम कार्बोनेट जिंक सल्फेट एनएसीएल जो सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट एमती रही लिखिदेई अच्छा एगुड़िक उभय रूप से रही है ध्यान दि कि ये कथा अच्छी कौन कथा ना एगुड़िक आईदर हो पारती एस बाईपारती एस रूप से थपारती बा ए क्यू मान जलीय द्रवण रूप से थपारती किंतु केतेबेले कठिन रूप रही है केतेबेले जलीय द्रवण रूप क्लीअर हो सीधा कथा जदि एगुड़िक साधारण जल सहित द्रवीभूत होना जल द्रवीभूत होना जल इन जल में पका जाए एस अवस्था रही है जदि यू जल में पकाई जल द्रवीभूत होती ये जलीय द्रवण मैंने एक ही रूप रही है अच्छा ये जिन आहरी क्लीअर हो जो रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकारभेद आधार में जितेबाद मुझे क्लीअर करदेवि साधारणतः देखिए एगुड़िक जदि विघटन प्रतिक्रिया अच्छा एगुड़िक विघटित होती निश्चित से जलर माने आवश्यकता नहीं अर्थात जलर अभाव जलर आबसेन्स अनुपस्थित ही विघटन प्रतिक्रिया घटे विघटन प्रतिक्रिया क्षेत्र एगुड़िक कठिन अवस्था रही है किंतु जदि विस्थापन कि द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया अच्छा सेगुड़िक जलीय द्रवण रूप से ही से रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे तो नो डाउट से इकोस्फॉर्म रही मुझे क्लीअर करी रासायनिक प्रक्रिया प्रकार भेद देख ए देखा रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकार भेद आधार देख रासायनिक प्रतिक्रिया भितर कौटा कौटा ना विस्थापन द्वैत विस्थापन विघटन यही तीन टा रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकार भेद आम जापर फास्ट देख विस्थापन देख एफी जोटा यहाँ एक्जामपल मुझे फास्ट लिखी थी एफी ब्राकेट एस यूएसओ फोर एक्यू एफएसओ फोर एक्यू प्लस सी यू देख जितेबाला विस्थापन प्रतिक्रिया एमती रही थोड़ा गोटे धातु थोड़ा गोटे लवण थोड़े क्लीअर हो जाओ से धातुटा निश्चित कठिन होता धातु आधातुर प्रकार भेद जानते जो लवणटा थोड़ा निश्चित जलीय द्रवण रूप से थी लवण जलीय द्रवण रूप से रोज धातुटा रठिन लवण जलीय द्रवण रूप से तो ये एस एटी ए क्यू मुझे लिख दी कथ एस एटी ए क्यू पुणी जो गोटे लवण और गोटे धातु सृष्टि हे विस्थापित करी जो धातु विस्थापित होगा से धातुटा निहाती कठिन रोज लवण सृष्टि हे सभी ए क्यू रु टे व्यतिक्रम अच्छी कौन व्यतिक्रम देख ये जी लवण न हो कि अलग कथा किसी आसाए कौन आसो ना मनकर धरनियो जे आमर जो व्यतिक्रम गोटे एग्जांपल दौर कार्बन सहित जिंक ऑक्साइडर रासायनिक प्रतिक्रिया है ये सृष्टि हे जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड जिंक बाहर बाहरी गला कार्बन मोनोक्साइड तो ये भी विस्थापन प्रतिक्रिया अच्छी ना कि ये कार्बन कठिन देख कार्बनटा अधातु यहाँ कठिन यहाँ जानते सेठू आम कठिन अधातु बास से क्लीअर हो गले कठिन जिंक ऑक्साइड मुझे धातु ऑक्साइड गुड़िक कठिन है विस्थापन
कार्बन प्रतिक्रिया रहिले भी धातु अक्साइड कठिन तो यहाँ कठिन रोक तो ये कार्बन मोनोक्साइड जो गैस रे तो ये जी लिखा पड़ो गैस से आम जानते पुणे जिंकटा कठिन जानते सीट देख ये सब जिन क्लीयर होती तेणु किसी कन्फ्यूजन हमार ना आ नर्माली विस्थापन प्रतिक्रिया गुड़िक एमती रही है गोटे धातु रही थी से कठिन हम आज लवण रही थे जलीय द्रवण हम ठीक अच्छे लवणटा कौन कौन कमी लवण पूर्व स्टेप कहली क्लीयर है यहाँ व्यतिक्रम भी कहीदी एवं आस द्वैत विस्थापन को द्वैत विस्थापन क्षेत्र में तीन टा कथा अच्छी फास्ट कथा कौन ना गोटे लवण रासायनिक प्रतिक्रिया है पुणी दुटा लवण सृष्टि हे अच्छा तो ये लवण लवण दुटा जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटव से दुटा आक लवण एक्वे सल्यूसन जलीय द्रवण रूप रहा क्लीयर हो तेणु दुटा आक ए क्यू रास्ट कथ क्लीयर हो गले प्रतिकारक पटे जो द्वैत विस्थान प्रतिक्रिया दुईटा आक लवण ए क्यू जलीय मानने जलीय द्रवण रूप र्लीयर है जो लवण दुटा सृष्टि हम तर गोटे सृष्टि हम कौन ना जलीय द्रवण देख गोटे जलीय द्रवण ये सृष्टि हम कहीदी ये जलीय द्रवण सृष्टि गोटे कितु आउ गोटे लवण जो सृष्टि हम से आईदर ए क्यू मानने जलीय द्रवण हो पारे बा एस माने कठिन हो पारे सेठी स्टार लिखी तो ये क्लीयर हाँ केमी कौटा जलीय द्रवण कौटा कठिन देख मुलरेडी कहीदी जल अद्रवणीय जो लवण रही पांचटा मुझे कही जो लवण स्टेप्रेटा अद्रवण जदि से लिखा एस आदि द्रवणीय लवण सृष्टि होता है लिखा ए क्यू एस के लिखा ब्राकेट लिख दूँ जल अद्रवणीय लवण होइथिले ए क्यू आउ जदि द्रवणीय होइथिबो ताहेले लेखाजिबो ए क्यू द्रवणीय होइथिले लेखाजिबो ए क्यू जलर अद्रवणीय लेखाले होइथिले लेखाजिबो कोन ना एस लवण को आम चिन्ह पारिबा अद्रवणीय पांचटा कहि पूरा क्लीयर से पांचटा मन रखद बास ये है द्वैत विस्थापन दुईटा कथा गला एवं आस पुणे अम्ल क्षारक भितर द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया हुए देख ये अम्ल एच सी एल एनएच ये द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया हेल्ला कौन हम ना ये एनएटा पलि आसे ठीक एन एस सी एल एच पलिजी से एच ओ एच मिसीगले एच टू हो ठीक अच्छे जल हो तो से केस्रे कौन ना ये अम्लटा सब जलीय द्रवण रूप रोक ए क्यू रूप से क्षारक जो निजी से भी जलीय द्रवण रूप रोक तो क्लीयर है अम्ल ए क्यू क्षारक भी ए क्यू रे आसला लवण जल कथा लवण देखिए सीटी टी कन्फ्यूजन मुझे एक्यू लिखीदी कि एक्यू भी बेले बेले न पारे कहीं जो जल अद्रवणीय लवण सृष्टि होती से एक्यू बदल कौन लिखा एस लिखा पड़े ना एक्यू लिखा आज जब अद्रवणीय लवण होती है एस लिखा आज जो जल सृष्टि से नो डाउट एल लिखा कहीं तरल रूप से जल सृष्टि हम ठीक अच्छे देख ए देखा विघटन प्रतिक्रिया आधार के जानवा देख विघटन प्रतिक्रिया ये ऊपर लिखी देख एफिएसओ फोर विघटित हो कि फेरिक ऑक्साइड एसओ टू एसओ थ्री हुए देख ये एफिएसओ फोर आसी भी एफिएसओ फोर थी कड़े गला ये एफिएसओ फोर थी देख ये ए क्यू किंतु ये एस लिखाई ध्यान दि मन रखिबो जे विघटन प्रतिक्रिया जो लवणर भी हुए मन रखे से जलर अनुपस्थित हुए मानते जलर अनुपस्थित हुए अर्थात जल से द्रवणीय हो कि से लवण से न थाए अर्थात कठिन रूप से हम जलर अनुपस्थित मैंने से द्रवणीय लवण हो था कि जलर अद्रवणीय लवण होता जलर अनुपस्थित मैंने नो डाउट से कठिन रूप से रही एस रूप रही है तेणु विघटन प्रतिक्रिया बेले एफिएसओ फोर एटा जलर द्रवणीय लवण होते भी जेहतु जलर अनुपस्थित विघटन तार घटू से कठिन रूप रही नो डाउट एस ही हम से यही कथ क्लीयर हुआ विघटन प्रतिक्रिया जलर अनुपस्थित हो तो सेगुड़ी कठिन रूप रे ब्राकेट एस लिखा देख ए देखा किसी स्वतंत्र जौगिक प्रतिक्रिया आधार रे स्वतंत्र प्रतिक्रिया आधार ध्यान दियो जे सी टू एच फाइव ओ एच जोटा इथाइल अल्कोहल इथानल कहते ये सब तरल रूप रोए कहीं साधारण तापमात्रा ये तरल रूप से ही था मिथेन गोटे गैस एटा सब साधारण तापमात्रा गैस रूप था तो ये जी लिखा पड़ो एटा एल लिखा पड़ो क्लीयर है एवं देख एच टू ओ आउ एन एच थ्री एच टू है जल एच टू ओ को एल भी लिखा जाए एच टू ओ कु एस भी लिखा जाए और एच टू ओ को जी भी लिखा जाए जदि तरल रूप से उत्पन्न होच टू ओ तेल एल लिखा जदि कठिन रूप से उत्पन्न होपम्रा अनुजाई ठीक अच्छे तापम्रा जब जीरो डिग्री बात कम अच्छी तेल एस लिखा से कठिन रूप से उत्पन्न होस लिखा बरफ या कहते हैं कह जल ये कह बरफ ये कह जलीय बाष्प जलीय बाष्प जलीय बाष्प जदि तापम्रा अधिक अच्छी हंड्रेड डिग्री ऊपर को अच्छी अति उत्तप्त अवस्था जल सृष्टि हो नो डाउट से जलीय बाष्प रूप से सृष्टि हे तेणु एच टू एल हो पारे एस हो पारे जी हो पारे क्लीयर है सेमती एमोनिया भी सेमती एमोनिया एमोनिया गैस रूप से जी रूप से सृष्टि हो पारे एमोनिया तरल रूप से सृष्टि हो पारे कहीं तापमात्रा अनुजाई तार से फिक्स हम एस किंबा एल जी किंबा एल एस नुए जी किंबा एल ठीक अच्छे एवं देख हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जदि लेखा रोचे जोटा को शुष्क एच सी एल कहती है एच सी एल ब्राकेट पाखे ब्राकेट जी लिखापी पड़ा यहाँ को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहती जोटा गैस रूप से थाए अच्छा पुणी जदि हाइड्रोक्लोरिक एसीड कह जोटा को लवणाम्ल कहती है से जलीय द्रवण रूप रोक नो डाउट से ए क्यू लिखा तो एच सी एल आईदर जी बा ए क्यू रूप लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होते जी लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसीड होते ए क्यू लिखा एवं देख ये दुटा तीन टा रासायनिक प्रतिक्रिया स्वतंत्र रासायनिक प्रतिक्रिया एमएनओ टू एल एमएन
आउ एल टू अच्छी देख सब ठीक ठाक अच्छे यहाँ एस अच्छे ठीक अच्छे एस अच्छे ठीक अच्छे एस ठीक अच्छे बट एम एन तो धातुटे गोटे एल कहीं लिखाई ना ये रासायनिक प्रतिक्रिया प्रचुर ताप उत्पन्न हुए जो ताप यार मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाए अर्थात ता तरल रूप से सृष्टि हुए एम एनटा से लिखाई ठीक सेमती एफ टू ओ थ्री एल रासायनिक प्रतिक्रिया एफिटा एल रूप से सृष्टि हे एल तरल रूप से सृष्टि कहीं ताप जो उत्पन्न है लुहा तरली जाइए ठीक अच्छे सेमती एजिबीआर एटा कठिन यार विघटन हेले एजी तो कठिन ठीक अच्छे ब्रोमिन तो लिक्विड हाँ कथा गैस कहीं सूर्यालोक उपस्थित था गैस रूप में ही उत्पन्न हुए से जी लिखा।